धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और छात्रों ने उनको काले झंडे दिखाए, परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं, एक पर स्पीक नहीं है उनका। सरकारी कॉलेजों में एडमिशन या सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में धांधली की किसी भी साजिश के लिए अब बख्शा नहीं जाएगा और सजा भुगतनी होगी। सरकार ने नीट और नेट की परीक्षाओं में गड़बड़ी पर जारी हो हंगामे के बीच संसद में बनी कानून को लागू करने का ऐलान कर दिया है। इस कानून के तहत नकल करवाने वालों को 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन इस नए सख्त कानून से नीट और नेट दोनों ही परीक्षाओं में धांधली करवाने वालों पर शिकंजा नहीं कसेगा। धांधली पकड़ में आने के बाद 19 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। केंद्र सरकार ने सरकारी परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को नोटिफाई कर दिया है। ये कानून सरकारी भर्ती परीक्षाओं में होने वाली नकल और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने ये अधिसूचना जारी कर कहा, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून 2024 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन इस आयुक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। ये कानून किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा क्वेश्चन पेपर या आंसर पेपर की लीक करना, परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को किसी भी तरीके से अधिवृत्ति रूप में सहायता करना या कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधनों या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना जैसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है। इसके अलावा धोखाधड़ी, पैसे कमाने जैसे फर्जी वेबसाइट बनाकर नकली परीक्षा आयोजित करवाना, धोखाधड़ी या पैसे कमाने के लिए फर्जी प्रवेश पत्र या नियुक्ति पत्र जारी करना और परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों को अपनाने की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था, उम्मीदवारों के लिए तिथियों या पालियों का आवंटन, हेर फेर जैसे सारी चीजें इसी कानून के अंतर्गत आता है और ये सारी ही चीजें दंडनीय अपराध में शामिल होती हैं। अधिनियम में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति जो अनुचित संसाधनों का सहारा लेता है इस अधिनियम के तहत वो अपराध करता है और उसे कम से कम 3 साल की कैद की सजा की जाएगी। साथ ही 5 साल तक की सजा बढ़ाई जा सकती है, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि जो भर्ती परीक्षाएं अभी कैंसिल हुई हैं, क्या उनके भी आरोपियों को इसी कानून के तहत सजा होगी? तो उसका जवाब जान लीजिए। चूंकि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार 21 जून 2024 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, इसीलिए उससे पहले के मामलों पर ये कानून लागू नहीं हो सकता। दरअसल संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था कहती है कि कोई भी कानून पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता, बशर्ते उसकी प्रकृति वैसी ना हो और ऐसा प्रावधान कानून में नहीं किया गया हो। तो NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।